जनपद के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रिमझिम मैरिज हॉल में शादी में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मनमड़ों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक युवक चिलौताल के विशनपुरा गांव का निवासी है। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल का सीसीटीवी मिला है। इसमें आरोपियों की करतूत कैद हो गई है। फुटेज की मदद से पुलिस उनकी पहचान में जुटी है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। आपको बता दें कि रविवार को चिलौताल थाना क्षेत्र के विशनपुरा रामनगर निवासी शेषनाथ सिंह की लड़की का विवाह गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रिमझिम पैलेस में आयोजित किया गया था। बारात पीपीगंज से आई थी। रामनगर के विशनपुरा टोला निवासी राहुल भी शादी समारोह में आया था। रात में डीजे बंद कराने पर बारात में आए युवक हंगामा करने लगे। मामला बढ़ने पर राहुल ने डायल 112 पर फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पीआरवी ने समझा बुझाकर डीजे बंद करा दिया। यह बात बारातियों को नागवार लगी। रात में 12 बजे राहुल बाइक से अपने घर जाने के लिए निकला तो विवाद करने वाले युवकों ने उसे घेर कर हाकी रॉड व धारदार हथियार से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े, जिसके बाद आरोपी बाइक व कार से पीपीगंज की तरफ फरार हो गए। जानकारी होने पर पहुंचे स्वजन गंभीर स्थिति में राहुल को प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता हरीश चंद्र ने बताया कि इकलौता बेटा आईटीआई की पढ़ाई करने के साथ ही शटरिंग का काम करता था, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि परिजनों के तहरीर पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, नहीं आता माटी से बाहर ले भागा था मैं। रिमझिम मेरे हाउस में बच्चा हमारे गोरखनाथ खाए गए है, वहाँ से अल है शादी लड़की शादी रह गए है हमारे बाबू। अरे बाबू बाबू गए वहाँ से काम कैसे लकड़ा भाई झगड़ा सानी था हमारे बच्चा से कह दिया। अब अगर बात को दो तीन मिले कान के मिले मिल के बाबू हमारे मार के खा जाटी में सुता दे हमारे गौर से आवा सिर्फ गाड़ी देखा थी कहीं अरे हमारे बाबू गड़िया है गई ये हमारे बाबू गड़िया है गए। अरे बाप सिपाही जबरदस्ती खींचा था हमारे बच्चा ले जाता है। शेषनाथ सिंह कहाँ के थे? ये थे इधर बालापार के आगे कोई घर रोड ही पे है घर उनका। अच्छा क्या हुआ था रात में? वो डीजे डांस पे सब झगड़ा किए हैं सामने देखिए, डीजे के डांस पे झगड़ा किए हैं। हाँ। फिर उसके बाद बाहर भागे हैं सब। हाँ। वहाँ आदित्य हॉस्पिटल के पास उस लड़के को अकेले पाए हैं, जो लड़की का रिश्ते में चाचा लगता था। नीचे से सर कुछ मार ढाले हैं, बचा है। सूचना ये मिली थी कि एक जगह डीजे बज रहा है रिमझिम पैलेस के पास। सूचना पर पुलिस वहाँ गई थी, डीजे को बंद भी करा दिया गया था। बाद में ये मैरिज हॉल नंबर 10 के आसपास की बात है। बारात जो आ रही थी वो पीपीगंज से आ रही थी। इसमें बाद में जब ये पुलिस वहाँ से चली गई तो बाद में दोबारा रास्ते में इनमें दोबारा विवाद हुआ। ये दो लोग थे, लड़की के पक्ष से आया था जो मृतक था रोहित सिंह, 23 साल उम्र है इसकी, रोहित सिंह सन ऑफ हरीश चंद्र, रेजिडेंट ऑफ विष्णुपुर टोला रामनगर थाना चिलवाताल का रहने वाला है, और इसके चाचा और चचेरे भाई, इसके चाचा धर्मेंद्र और चचेरे भाई ऋषभ सिंह, इन दोनों ने डीजे बंद कराया था। इस बात को लेकर उनमें विवाद हुआ था तो उसके ऊपर जो है इन्होंने ईंट से वार किया है, और उसमें उसी क्रम में जो घायल हुआ है फिर अस्पताल में उसको लेके जाया गया। इस क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 391/21 थाना गोरखनाथ में पंजीकृत किया गया है। धारा 147, 148, 302, 323 IPC लगाया गया है इसमें,
और ये जो है राहुल चौधरी, शैलेंद्र चौधरी और 6 से 7 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें विधि कार्रवाई हो रही है, जैसे भी कोई डेवलपमेंट होता है हम आपको बताएंगे। डीजे को बंद करके इनका विवाद हुआ था और उसके बाद पत्थर चलाया गया एक पर।